तो अगर आप लोगों की बेल के भी पत्ते पीले पड़ रहे हों, या आप लोगों की जो भी बेल हो या पौधा हो उसकी आगे ग्रोथ नहीं हो रही, या आप लोगों के पौधे में कीड़े लग रहे हैं, या आप लोगों की पूरी बेल ख़राब हो रही है, तो इन सभी का इलाज आज की इस वीडियो में रहेगा। बहुत आसानी से किस तरह से आप लोग अपने पौधे को वेल नरिश्ड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सिंपल 3 टिप्स आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे कि आप लोग को फुल वीडियो समझ आए और आप लोग इसको अपनी बेल को सुधार सको, अपने पौधे को पीले पत्तों से बचा सको। और पीले पड़े हुए पत्तों की ऐसी बेस्ट फर्टिलाइज़र और ऐसी 3 बढ़िया यूज़ जिसे जानकर आप लोग हैरान हो जाने वाले हो। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। आई एम विशाल तिवारी, जो कि गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो वीक्स में 2 से 4 वीडियोस अपलोड करता हूँ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी ऐसी वीडियोस के लिए। नंबर 1, एनवायरमेंटल चेंज। अक्सर हम लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, लेकिन जब गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी या जब गर्मी के बाद अचानक से बारिश होना शुरू हो जाती है, तो जो हमारा प्लांट होता है वो इस कंडीशन को फेस नहीं कर पाता। और वो इस शॉक में कि अचानक से जब टेम्परेचर चेंज हो गया पूरे एनवायरमेंट का, तब अपने पौधे होते हैं वो अपने लीव्स को ऑटोमेटिकली येलो करके गिरा देते हैं। बेसिकली नीचे की जो लीव्स होती हैं, वैसे भी जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, यानी कि जैसे जैसे पत्ते पुराने होते हैं, वो ऑटोमेटिकली यानी नेचुरली अपने आप येलोइश कलर के होके गिर जाते हैं। वैसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन बात की जाए जब एक्सेस येलो लीव्स होना लग जाती है, तब ये डेफिशिएंसी हो सकती है मैग्नीशियम की, या तो मैंने आप लोग को जैसा कि बताया कि एनवायरमेंटल चेंज। तो ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग की पूरी बेल पीली पड़ चुकी है, एक भी ग्रीन पत्ते नहीं बचे, तो हो सकता है कि आप लोग का पौधा डॉर्मेंसी में जाने वाला हो। अब ये क्या है डॉर्मेंसी? डॉर्मेंसी बेसिकली प्लांट का वो एक सिचुएशन है जब पौधा सो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, विंटर्स में कुछ पौधे पूरे टकले हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग के साथ ऐसा भी नहीं है कि पौधा डॉर्मेंसी में भी नहीं गया, जैसे कि सर्दियों में मधुमालती हो गई, नीम हो गया, हिबिस्कस हो गए कुछ वैरायटीज़ के, ये इन सबके पूरे पत्ते झड़ जाते हैं, और जैसे ही फरवरी में ऑटम सीज़न आता है, यानी कि जब स्प्रिंग सीज़न आता है, तब हमारे बहुत सारे न्यू शूट्स आते हैं और पौधा दोबारा से बहुत सारा हरा हरा हो जाता है। वैल्यूअर फ्रेंड्स, ये थे कुछ कारण जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे। अब मैं आप लोग को ऐसी 3 सिंपल टिप्स बताने जा रहा हूँ रिलेटेड टू योर येलो लीव्स, जिससे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट्स पा सकते हो। अब होगा क्या, यहाँ पे आप लोग समझिए, आप लोग सबसे पहले बहुत सारे येलो लीव्स को कलेक्ट कर लें। अब येलो लीव्स को क्यों कलेक्ट करना है? क्योंकि देखिए, अगर मैं आप लोग को शॉर्ट टर्म में समझाऊँ, तो जो हमारी येलो लीव्स होती हैं, ये बहुत सारे चीज़ों में काम आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, गर्मियों में कई बार हम लोग पानी दे दे के पौधों में परेशान हो जाते हैं, सुबह देना पड़ता है, शाम को देना पड़ता है, वाइस वर्सा, और गर्मियों में पौधे के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, जो हमारे येलो लीव्स हैं उन्हें पौधे से हटा लें, या जो झड़े हुए पीले पत्ते हैं उन्हें आप लोग स्टोर कर लें और उसे एज अ मल्च यूज़ करें, यानी कि पौधे के या गमले के टॉप लेयर पर कुछ पत्ते बिछा दें। इससे होगा क्या, अब जो मिट्टी का मॉइस्चर होगा वो रिटेन नहीं होगा, वो उड़ेगा नहीं, बना रहेगा मिट्टी का मॉइस्चर, मिट्टी अच्छे से मॉइस्चर को कंटेन कर सकेगी, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट से हमारा पौधा बच जाएगा। ऐसे में आप लोग को 1 हफ्ते तक का रिलीफ मिल सकता है पानी ना देने से, क्योंकि अक्सर ज़रूरी नहीं है कि वही लोग गार्डनिंग करें जो कि घर पे फ्री होते हैं। कई सारे बिजनेसमैन, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, या कई बार तो मुझ जैसे स्टूडेंट्स भी गार्डनिंग करते हैं जिन्हें की गार्डनिंग बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसा होता है कि हम लोग को टाइम नहीं मिलता, तो इस कंडीशन में हमारे पौधे के लिए ग्रीन लीव्स बहुत अच्छी होती है। नंबर 2, कंपोस्टिंग अक्सर लोगों को समझ नहीं आती अच्छे से, लेकिन अगर आप लोग कंपोस्टिंग पे ध्यान दोगे तो इट इज़ मोर बेनिफिशियल देन मल्चिंग। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखिए, जो हमारे येलो लीव्स होते हैं, बेसिकली जो पतले येलो लीव्स होते हैं, ये बहुत जल्दी डिकम्पोज कर जाते हैं और हमारे पौधे में बहुत सारे वेल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को रिलीज़ करते हैं आफ्टर डिकम्पोजिशन। तो अगर आप लोग ऐसा करोगे कि आप लोग डिकम्पोज होने के लिए या इसका आप लोग लीफ माउल्ड बनाओगे, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा मल्चिंग से। अब टिप नंबर 3, पीएच बैलेंस। अब जब ये डिकम्पोज होगा, बहुत सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को रिलीज़ करेगा आफ्टर डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के बाद, तब जो हमारा मिट्टी का पीएच लेवल होगा वो मेंटेन रहेगा, जो हमारे सॉइल का
टेम्परेचर रहेगा, जो हमारी मिट्टी का पीएच लेवल रहेगा वो बैलेंस्ड रहेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग की मिट्टी ज़्यादा एसिडिक ना हो जाए तो आप लोग यूज़ कर सकते हो मल्चिंग या डिकम्पोजिंग। अब डिकम्पोज के तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और अक्सर डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के दौरान हमारे पौधे में बहुत सारी फंगस लग जाती है। तो ऐसे में आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि बेसिकली आप लोगों को उस मंथ में बिल्कुल भी डिकम्पोज करने के लिए लीव्स को नहीं रखना जिसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा रेनी सीज़न, रेनी सीज़न में हम लोग ध्यान नहीं देते और किसी भी पौधे के टॉप लेयर पे हम लोग मल्चिंग करने को रख देते हैं मिट्टी पे, तो उसके कारण क्या होता है वो डिकम्पोज नहीं हो पाता, उसको केवल मॉइस्चर मिलता है। तो इस चीज़ का आप लोग बस ध्यान रखें कि आप लोग रेनी सीज़न में और विंटर सीज़न में जब एकदम हार्ड विंटर पड़ती है, एकदम बहुत एक्सट्रीम विंटर पड़ती है, आप लोग उस सीज़न में ना करें बस। उसके बाद आप लोग पूरे साल भर आराम से डिकम्पोज कर सकते हो अपने लीव्स को, बहुत आसान होता है। 2 से 3 महीने में हमारी येलो लीफ की अच्छे से कंपोस्ट बन जाती है। अब यहाँ देखिए मैंने कुछ यहाँ पे सूखे पत्ते ले लिए हैं और अब मैं इन सभी का एकदम पापड़ टाइप का बना दिया है। 2 दिन के अंदर इतनी हार्श सनलाइट है मैं कि अभी देखिए आज 15 मई है और शायद मैं 17 या 18 को ये वीडियो अपलोड करूँ क्योंकि एडिटिंग करनी पड़ती है। और यहाँ पे देखिए अभी जब 2 दिन बाद जब एकदम सूखे पापड़ की तरह हो गई हैं, अब मैं इसे एज अ मल्च यूज़ करूँगा। ये अच्छे से कुछ पत्ते नहीं सूखे थे, ये मैंने और पत्ते तोड़ लिए हैं अपनी बेल से जो कि जनरली मेरी मधुमालती की बेल है। और अब मैं इसका मल्च करूँगा, इसे डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के लिए छोड़ूंगा। और आप लोग और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें।